गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं। आयु स्कूल चला गया है, उसके डैड ऑफिस चले गए हैं। मैं 4:45 से उठी हुई हूँ, जो कि मेरा डेली का है। मैं 4:45 को ही उठती हूँ, लास्ट 5 o'clock, नहीं तो सारे काम मेरे लेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे 4:45 या 5 o'clock मुझे उठना ही पड़ता है। तो मैं सुबह से उठी हूँ, नाश्ता बनाई, फ्रूट्स कट करके दिए हैं आयु और उसके डैड को, मसाला ब्रेड बनाई उन लोग को दिया है, खाने में राजमा चावल और रोटी बनाई है वो दे दिया है मैंने पैक करके। आयु जो स्कूल से आने के बाद तो अराउंड 2 o'clock आता है, तो वो मेरी जो नेबर है ना उनके पास रहता है, वो डे केयर करती हैं, तो उनके पास मैं उसका टिफ़िन कपड़े सब रख कर जाती हूँ और वो उसका स्टडी भी लेती हैं। अराउंड 3 hours रहता है वो, क्योंकि उसके डैड आ जाते हैं 5 o'clock तक आ जाते हैं, 5:30 तक आ जाते हैं। मैं 5:30 को मैं वहाँ से निकलती हूँ क्लास से, लेकिन ट्रैफिक इतनी मिलती है, एक तो बस नहीं मिलता, ऊपर से ट्रैफिक इतनी मिलती है, जिसकी वजह से मुझे 6:30, 7 o'clock, कभी कभी तो ज़्यादा ट्रैफिक रहेगी तो 7:30 भी हो जाते हैं। बस चल रही है, टफ वर्क है, और मुझे क्या है, बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं वो छोड़ना नहीं चाहती उन बच्चों को। मेरे वो मैं बताई थी लास्ट ब्लॉग में कि वो मेरे लिए स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल है वो मेरे। जो वो टीचर जो मैंने उनसे भी मिलाया था आपको, वो भी मतलब हम लोग बच्चों के लिए पागल है, मतलब बच्चे हमारी लाइफ से क्या बता सकती हूँ। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैं पूरे अपने क्लास और स्कूल का पूरी बातें मैं और टीचर साथ में, जो मेरी पार्टनर हैं, उनके साथ पूरा बात करेंगे, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या किया, वो किसी और ब्लॉग में करेंगे। फिलहाल आज का इंटरेस्टिंग है उसके बारे में, अगर आपको देखना है कि इस ब्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग है, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स को भी बोलिएगा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। 2 ब्लॉग्स मेरे ऑलरेडी हो गए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से एक बार देख सकते हैं। और मैं बोलना चाहूँगी, मैं जाऊँ, रेडी हो जाऊँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। हेलो, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 7, मैं आ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, अभी मैं चाय रखी हूँ। आयु नीचे खेलने गया है, ये बेडरूम में है। तो इंटरेस्टिंग, मैं बोली थी इंटरेस्टिंग क्या है, देखते इंटरेस्टिंग क्या है। वैसे घर पे हमारे कोई आने वाला है, उसी की तैयारी स्टार्ट है हमारे घर में। कौन आने वाला है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, कौन आने वाला है। हम लोगों ने बहुत सारी क्लीनिंग की है 2 दिनों में, मैं क्लास से आने के बाद थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने क्या क्या क्लीन की है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये रही मेरी चाय जो अभी बन रही है, इसे मैंने सिर्फ अभी तक चाय पत्ती और पानी में चाय पत्ती ऐड किया है, अभी मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। हाँ, तो मैं बोली ना मैंने क्या क्या क्लीन किया है, तो मैंने ये किचन थोड़ा ऑर्गेनाइज किया है, ये सब क्लीन किया है, नीचे का ये पूरा क्लीन किया है मैंने, ये पूरा क्लीनिंग किया है पूरा। और ये किचन बहुत मेसी टाइप का हो गया था, इसको अच्छे से अरेंज किया है, पूरा क्लीन किया है, कल मैंने किया था रात को, कल की थी रात में। और
फ्रिज, फ्रिज भी बहुत वो हो चुका था, तो ये सब क्लीन की मैं। ये है मंदिर जो ये क्लीन करना बाकी है। अभी 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए थोड़ा वो हुआ है। और ये रहा हमारे घर के बाहर का व्यू, शाम है अभी तो दिखाई नहीं देगा, बहुत अच्छा व्यू यहाँ से है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी प्लस पानी, रोड सब कुछ दिखता है यहाँ से, बहुत अच्छा है। मेरी चाय चाय चाय। आ गए? हो गया टाइम? चले गए सब? हाँ सब लोग चले गए। सब लोग चीटिंग कर रहे हैं। क्या चीटिंग कर रहे हैं? हानी को ड्रॉ मैच हो गया था, लास्ट लास्ट रन चाहिए था और लास्ट बॉल था, बोल रहे थे कि अभी तो 14 बॉल शुरू है, तो फिर उसके बाद तो हुआ ये ड्रॉ मैच हो गया। 7 रन हमने बनाए, उन्होंने भी 7 रन। अच्छा चीटिंग की है ना? अच्छा चीटिंग है ना? तो तुम गुस्सा ओवर हुआ, तो तुम गुस्सा होकर आ गए? अरे नहीं सब लोग चले गए, फिर वो नहीं सब चले गए। अच्छा तो आज क्या करने आई हो? क्या आज क्या इंटरेस्टिंग है बताओ? हाँ अभी आप लोगों ने देखा इसने क्या किया। हाँ इसकी वजह से ये पूरा वॉल खराब हो चुका है हमारा, ये देखिए ये पूरा वॉल खराब हो चुका है, इधर भी। तो आज हमने सोचा है इस वॉल को खुद से कुछ कलर करने के लिए। मेरी चाय रेडी हो चुकी है, एक्चुअली जो किचन देख रहे हैं आप लोग अधूरा है ये, हम लोग को समर वैकेशन में कराना है इसको, नीचे पूरा पैक करना है, पूरा किचन को पूरा बनाना है, देखते हैं इस बार हो पाएगा कि नहीं। हो सकता है किचन थोड़ा, बाकी मेरे हॉल हम लोगों ने पहले ही 2 ईयर्स पहले हम लोगों ने पूरा उसको कराया था, बनवाया था हम लोगों ने। अभी किचन इस साल सोच रहे हैं कि पूरा मॉड्यूलर किचन बनाने का सोच रहे हैं समर वैकेशन में, क्योंकि तभी मुझे भी टाइम रहेगा, कोई घर में रहना चाहिए इसके लिए, देखते हैं हो जाएगा तो अच्छा है। चाय, ये चाय है मेरी। चाय मीठी है, चाय गर्म है। क्या बोल रहे हो? चाय चाय जैसा लग रहा है कि पानी जैसा लग रहा है? चाय चाय जैसे ही लगेगा ना, पानी जैसा नहीं लगने वाला है। क्या खराब है क्या चाय? इतना अच्छा चाय बना है। और आयु कैसा लग रहा है तुम्हें?